हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 11। इसमें हम आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगभग समाप्त होने वाला है। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहें तो मैं आपके लिए टेस्ट ला सकता हूँ यह चैप्टर खत्म होने के बाद। अगर आप टेस्ट देना चाहें तो प्लीज़ आप ग्रुप में कमेंट करिए या फिर यहीं वीडियो में कमेंट करिए मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको यह चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा आपका टेस्ट लिया जाएगा, और इस टेस्ट में कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके उसका सारा रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप कमेंट करिए, अगर नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ स्टार्टर। टाइप्स ऑफ स्टार्टर में मैंने दोस्तों आपको एक स्टार्टर बता दिया है लेक्चर 10 में, ठीक है मेरे दोस्तों। DOL स्टार्टर बता दिया गया है। तो DOL स्टार्टर को आपको बता दूं कि 5 HP से कम की मोटर, 5 HP से कम की इंडक्शन मोटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसका हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको दो और पढ़ना है, आपके बुक में दो ही तीन स्टार्टर दिया है। जो आपका रोटर यहाँ पे है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, इसका कोई जिक्र नहीं है मेरे दोस्तों। आपको सिलेबस में दिखाऊंगा, उसके बाद आज बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। सिलेबस आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे देखिए आप, ये वाला पॉइंट हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये तो हमने आपको बता दिया कल, और सॉरी दोस्तों आप अगले वाले लेक्चर में, कल की बात नहीं कर रहे हैं, अगले वाले लेक्चर में जो आपको दिया गया है उसमें हम आपको बताए हैं कि स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद हमने DOL बताया है, आज बताया जाएगा स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है मेरे दोस्तों। आप में चौथा स्टार्टर नहीं है तो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको अपने से जानना है तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज का जो लेक्चर है उसके बारे में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए बुक को रख दीजिए। हम आपको इसमें बताएंगे क्या कि आज बताएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे यूज करते हैं। तो पहले इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे 5 HP से अधिक, 20 HP से कम की इंडक्शन मोटर के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसके बारे में हम पहले देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। अगर एक लड़का भी शेयर करता है मेरे दोस्तों तो आप लोग लगभग 100 लोग हैं इस ग्रुप में, अगर 100 लोग शेयर करेंगे तो 200 लोग तो जुड़ सकते हैं आराम से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको एक आज हम शायरी बताएंगे, आज हम आपको एक शायरी बताएंगे, बहुत ही अच्छी है, उस पर थोड़ा अमल करेंगे कि महतरम मैं खाने जाना बुरी बात है, महतरम मैं खाने जाना बुरी बात है, जब आ ही गए तो बिन पिए लौट जाना बुरी बात है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जब आ ही गए तो बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। तो जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो बिना पढ़े मत जाइए मेरे दोस्तों, पढ़ के तभी जाइए, नहीं तो ये कहेंगे कि वहाँ गए थे आप तो किए हैं, नहीं गए थे तो भी आपको कहें, अगर नहीं किए हैं तब भी कहेंगे आप किए हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा ना करिए आप। तो मैं खाने का मतलब आप गलत मत समझिएगा, यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ाई किससे रिलेटेड के लिए बताए हैं मेरे दोस्तों, कि आज अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ के ही जाइए, यहाँ से सफलता है आपको आपको लेके जाना है, यहाँ पे छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में आज जानेंगे मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, आपको अच्छे से पढ़ना है। और पहली बात जो हमने कहा उसे थोड़ा ध्यान देंगे, उस शायरी पे बहुत ही ध्यान देंगे, आप लिखेंगे शायरी को, लिख लीजिए और ध्यान से उसे समझिए क्या कह रहे हैं हम उसमें, बहुत ही बहुत बड़ी बात किए हैं दोस्तों आज हम, तो उसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, आपको स्टार्टर आपके एग्जाम में 5 नंबर तक का आ सकता है मेरे दोस्तों। तो आपको 5 नंबर गंवाना नहीं है आज के लेक्चर से, आपको 5 नंबर लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर एक विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, यानी इसको एक विशेष प्रकार से डिजाइन किया जाता है, जो प्रारंभ में मोटर को स्टार में कनेक्ट करता है, और जब मोटर अपनी प्रसामान्य गति प्राप्त कर लेता है तब
वह उसे डेल्टा में कनेक्ट कर देता है, यानी पहले वाली जो गति है उससे उस गति को प्राप्त कर लेता है, तब उसे क्या कर देता है, डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों। तो और क्या है आगे की बात क्या है, इतनी बातें आपको, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी हमारे साथ साथ बना सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अभी तक हमने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि जो बताया है स्टार डेल्टा स्टार्टर एक विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जो प्रारंभ में मोटर को स्टार में कनेक्ट करता है और जब मोटर अपनी प्रसामान्य गति प्राप्त कर लेता है, यानी पहले वाली गति से कुछ अच्छा गति प्राप्त कर लेता है, तब वह उसे डेल्टा में कनेक्ट कर देता है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या कर देता है, डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार के स्टार्टर 5 HP से 20 HP की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कितने की हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये 5 HP से 20 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। यह स्टार्टिंग में सप्लाई करंट का 1/3 गुना, कितना 1/3 गुना करंट लेता है मेरे दोस्तों, कितना करंट लेता है यह स्टार्टिंग में सप्लाई करंट का 1/3 गुना करंट लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों यहाँ से, ठीक है, इसे अपने नोट्स में नोट करना है। बहुत ही जो आप बना रहे हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, और आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। ए स्टार्टर भी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग होता है, यानी यह जो स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है, इसे हम किस में करेंगे यूज, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम। मोटर के स्टेटर के एक हिस्से को सप्लाई देते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया पहले वाले लेक्चर में, तथा दूसरे हिस्से को स्टार क्रम में संयोजित करते हैं, किसमें, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है आगे, स्टार क्रम के संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज प्राप्त होता है, कितना, 1/√3 वोल्टेज प्राप्त होता है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं उनको आप लिखते जाइए, ठीक है मेरे दोस्तों, उनको आप लिखते जाइए। क्या है, स्टार क्रम के संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, ध्यान में रखना है इसे। आगे चलते हैं। जब मोटर पूर्ण गति से चल रही होती है तो इसे स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा में संयोजित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब हमारा मोटर स्टार्ट होती है तो उसे डेल्टा से स्टार में करते हैं या स्टार से डेल्टा में करते हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जो जितनी पॉइंट हमने अभी अंडरलाइन किया है, नीचे लाइन खींचा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, जब मोटर पूर्ण गति से चल रही होती है तो उसे स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा में संयोजित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका हम आपको पहले फिगर दिखा देते हैं, आपको फिगर अपने से बनाना है मेरे दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा मेरे दोस्तों आपका फिगर है, यही आपको बनाना है, आपको बनाना है यही स्टार डेल्टा, देख लीजिए यहाँ पे है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसको बना लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रनर है, यानी हमारी क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारा रोटर है, और ये हमारा क्या है, ये सब लाइन खींची गई हैं, ये सभी कॉइले हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा देखिए ये कॉइले हो गई, ये किसमें है, किसमें है, ये स्टार में है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको ऐसे सब सारी चीज़ें बना लेना है और इन्हें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों, सप्लाई करंट से सभी को कनेक्ट कर लेना है। तो इतनी आप ड्राइंग तो बना ही सकते हैं मेरे दोस्तों, आपको इतना बनाना है, ठीक है। अगर आप बना के अगर ग्रुप में भेज देंगे तो सभी बच्चे बना लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपने यहाँ पे देख लिया होगा, चलिए इसमें आपको जितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी सबने हमने सब आपको बता दिया मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया, आज का लास्ट जो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी कुछ जैसे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर था उसी के समान है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होंगी। क्या चीज़ें अलग होंगी, आइए देखते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक शक्ति वाली मोटरों के लिए यूज किया जाता है। ये तो हम पहले ही बता दिए मेरे दोस्तों कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होगा
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा, उसे 20 HP से अधिक पावर वाली मोटर के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आगे क्या है। प्रारंभ में मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज पर चलाया जाता है। किसमें? जो हमारा प्रारंभ में मोटर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज पे चलाया जाता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। जब मोटर 80% से अधिक गति प्राप्त कर लेता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर को परिपथ से हैंडल के द्वारा वियोजित कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा है, सॉरी, किसके द्वारा वियोजित किया जाता है? हैंडल के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब हमारी मोटर कितने 80% से अधिक गति प्राप्त कर लेती है तो ऑटो ट्रांसफार्मर को परिपथ से हैंडल के द्वारा वियोजित किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे क्या है, क्या है स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय पूर्ण धारा का 5 से 7 गुना अधिक धारा लेता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह हमने आपको लेक्चर नंबर 10 में भी बताया है कि कितना करंट लेता है, पूर्ण टोटल करंट कितना होता है, 5 से 7 गुना अधिक लेता है। कौन? स्टार्टिंग के समय हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो 5 से 7 गुना अधिक करंट लेता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्टिंग वोल्टेज रनिंग वोल्टेज का 58% दिया जाता है। कितना दिया जाता है स्टार्टिंग वोल्टेज का रनिंग वोल्टेज? देखिए यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग वोल्टेज रनिंग वोल्टेज का 58% दिया जाता है। तो इसका भी फिगर आपको दिखा देते हैं मेरे दोस्तों, बुक में आपके है, आपके बुक में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यही बनाना है मेरे दोस्तों। तो इसमें भी कुछ ऐसी है, ये देखिए हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, ऐसे ही होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक बाइंडिंग होती है। तो ये जो हमारा है एक इसमें है, देखिए ये स्टार में संयोज, ये सॉरी आपको हम बता देते हैं यहाँ पे स्टार कैसे होता है। तो जो आपको आपने ऐसे देखा होगा BEE में स्टार का वो हो गया हमारा, और डेल्टा को कैसे करते हैं, डेल्टा हमारा ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन सभी चीजों को आप छोटी छोटी बातें हैं इन्हें ध्यान में रखेंगे। ये हमारा स्टार हो गया और ये हमारा हो गया डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप बुक में देख लीजिए यहाँ पे किस क्रम में है ये। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेटर कहेंगे। ये हमारा होगा रोटर। यहीं सर सारी चीजों को खींच के हमें बनाना है। 3 फेज सप्लाई देखिए यहाँ पे होगी, RYB यहाँ पे सप्लाई होगी, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर, ये देखिए स्टार्ट है और ये हैंडल है हमारा। हैंडल इसी को घुमाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, यही हैंडल है, इसी को घुमाया गया, हमारा जो रनिंग कंडीशन में होती है उसे क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने आपको यह बता दिया है कि सॉरी यह बता दिया कि आपको स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। आप स्टार्टर को इतना 3 स्टार्टर आपको बताया है मेरे दोस्तों, तो तीनों स्टार्टर को आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है और समझना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी तक आप लोग जितने भी लोग हैं अभी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल को शेयर नहीं किए हैं मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ आप उनको शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे आपके एग्जाम में मार्क्स आ सकें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।